अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भक्ति करने के लिए वैराग्य जरूरी नहीं, माँ रेवा न्यास में भागवत कथा का चौथा दिन। नार्मदी ब्राह्मण महिला मंडल द्वारा जेतापुर स्थित माँ रेवा न्यास में आयोजित श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान में वामन अवतार एवं श्री कृष्ण जन्मोत्सव की संगीतमय कथा सुनाकर भक्तों को भाव विभोर कर दिया। वामन अवतार के प्रसंग के दौरान दीदी ने बताया कि गृहस्थ आश्रम भी श्रेष्ठ है, गृहस्थ रूप में रहकर भी भगवान की भक्ति कर उन्हें पाया जा सकता है। संत एकनाथ जैसे बहुत से संतों ने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भगवान की भक्ति की और परम धाम को पाया है। ममता दीदी ने कहा कि यदि पति पत्नी दोनों साथ में भगवान का स्मरण करते हैं तो वह ज्यादा फलदायी होता है। पति पत्नी देवी अदिति एवं महापुरुष कश्यप जैसे होना चाहिए, जिनके यहाँ स्वयं भगवान ने वामन के रूप में अवतार लिया। माँ रेवा न्यास के मीडिया प्रभारी दुर्गेश शर्मा व सचिव गजेंद्र गीते ने बताया कि चौथे दिवस भी बीसा निमा समाज खरगोन तथा दिगंबर जैन महिला मंडल ने परम पूज्य कथावाचक ममता दीदी पाठक का पुष्पहार श्रीफल व अनमोल भेंट से स्वागत कर उनका आशीर्वाद लिया। भागवत कथा में आज के मनोरथी थे श्रीमती ममता, राजकुमार चतुर्वेदी, रजनी गिरीश उपाध्याय, पिंडी वीरेंद्र पंड्या, डॉक्टर तृप्ति, डॉक्टर चिन्मय भालके, जीवन लता, सुरेश चंद्र बालचे तथा श्रीमती रेखा भालके, रविश व विलीश भालके। आज पांचवे दिवस की कथा में गोवर्धन पूजा और छप्पन भोग का आयोजन होगा। डिजियाना न्यूज निवार रिपोर्ट खरगोन।